Hotel Kingston. नहीं भाई, मैं तुम्हें छुट्टी पर नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें परमिशन बिल्कुल नहीं दे सकता। लेकिन क्यों सर? क्योंकि यहाँ बहुत अर्जेंट काम है। क्या अर्जेंट काम है? वो हमें दो बहुत बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने हैं। मुझे इस वक्त तुम्हारी यहाँ जरूरत है विश। छुट्टी फिर कभी सही। मैंने तुमसे पहले कहा था डैड कुछ नहीं कर सकते। अगर आप मुझे छुट्टी नहीं दे सकते तो मैं सब कुछ छोड़कर चला जाऊंगा। ओह, यू मीन तुम रिजाइन कर दो सब? विश, ये रेजिग्नेशन देने की धमकियां तुम कब तक मुझे देते रहोगे? तुम्हें क्या लगता है कि होटल किंगस्टन तुम्हारे बिना नहीं चल सकता? चलेगा सर, ऑफ कोर्स चलेगा। लेकिन मेरा यकीन कीजिए, इस बार मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। कोई रास्ता नहीं है या तुम्हें कोई बेहतर रास्ता मिल गया? सर, अगर आप मेरे बारे में ऐसा सोचना चाहते हैं तो आप सोच सकते हैं। Oh, come on, Vish. All right. तुम मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दो, मैं शाम को तुम्हें बता देता हूं। ओके सर, सॉरी। अब मुझे बताओगे व्हाट दिस इज ऑल अबाउट? विश को मैंने जाने से रोक लिया है, अब तो मुझे बताओ कि इस बार तुमने उसके साथ क्या किया है? मैं तो कभी भी कुछ नहीं करती हूं। शलीप, गुड मॉर्निंग होटल किंगस्टन। 13 फ्लोर। मुझे 13वें माले पे एक रूम चाहिए। मिलेगा सर? आप होल्ड कीजिए, मैं चेक करता हूँ। हेलो सर, रूम अवेलेबल है 1303। उसे मेरे लिए बुक कर दो। ओके सर। सर क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? परितोष मेहता। ओके सर, योर बुकिंग इज कन्फर्म। थैंक यू सर। सो हमारी बुकिंग कन्फर्म हो गई है, क्या आप मुझे किंगस्टन तक छोड़ेंगे? मुझे नहीं पता था तुम इतने डरपोक हो। आप यहाँ क्या कर रही हैं? जो तुम कर रहे हो। हटिए यहाँ से। वेश, तुम नहीं जा सकते, और तुम जहाँ जाओगे मुझे पाओगे। गाना सुना? तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया। वेरी फनी। बाय द वे, मेरे बारे में अब कौन सी नई स्टोरी सुना के आ रही है अपने डैड को? आप मैंने डैड से कुछ नहीं कहा है। तो फिर आपके डैड ने? वेश, डैड की बातों का बुरा मत माना करो। मैं तुम्हारी छुट्टियों के बारे में कुछ करूंगी, लेकिन फिलहाल तुम कहीं नहीं जा सकते। एक्सक्यूज मी। विश, तू सर रख दिया, सामान रख दिया। सामान रख दिया सर। अरे तुम अजीब आदमी हो यार। सामान रख दिया। हेलो सर, 1 रुपया है सर। जाओ यार तुम,
बहुत दे दिया मैंने, जाओ। फ्लोर रूम नंबर 1303 परितोष मेहता, उन्होंने ही मंगवाया है सर। लेकिन वो इसका क्या करेंगे? वो कह रहे थे कि उनके रूम का दरवाजा बहुत सूना सूना है, वहां कुछ लटकाना चाहिए। What nonsense? आप कहे तो मना कर दूं सर? नहीं, जा ले जा। लेकिन उनसे कह दो कि रूम के डोर पर मत टांगे, ये होटल है, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं। क्या? Ridiculous. सर लिफ्ट। थैंक्स। मैडम, मैंने अपनी आंखों से देखा है, आप ही जैसी खूबसूरत लड़की, लेकिन उसके बाल बहुत लंबे लंबे थे। मैंने भी देखा है मैम, मैम जब वो चलती थी ना तो पायल की आवाज आती थी मैम, चम चम। बॉबी, वो तुमने अपनी आंखों से देखा? हाँ, मतलब नहीं, मतलब हाँ हाँ हाँ, इन्होंने देखा, इन्होंने देखा। बॉबी, बॉबी तुम्हें गलत फहमी हुई है, भूत भूत कुछ नहीं होता, काम करो अपना, चुप। भूत भूत कुछ नहीं होता, और मैंने जो देखा उसका क्या? मिस्टर मैनेजर, आप कहना क्या चाहते हैं, मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे वो मेरे रूम की अलमीरा में थी, मैंने डोर खोला तो वो मुझ पर कूद पड़ी, मैं भागा, मैं आगे आगे, वो पीछे पीछे, मैं ऊपर ऊपर, वो नीचे नीचे। देखिए देखिए, आप शांत हो जाए, थोड़ा रिलैक्स कीजिए। अगर अगर मैं एक मिनट भी उस रूम से बाहर निकलने में देर करता तो मैं तो गया था काम से। देखिए आप डर गए हैं, बस
आप प्लीज जाकर अपने रूम में रिलैक्स कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। रूम में? अरे आपके होटल में मैं एक मिनट नहीं ठहरने वाला, और आप मुझे रूम में कह रहे हैं? अरे जरूर जरूर उस रूम में किसी लड़की का खून हुआ है और उसकी ही आत्मा भटक रही है। मैं यहाँ नहीं रुकने वाला, मैं चला। सुनिए सुनिए कर्नल, मैं चाहता हूँ आप फौरन से पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करें। बहुत बढ़िया परितोष बाबू, बहुत बढ़िया। किंगस्टन को अब बंद होने से कोई नहीं बचा सकता, बस आग में थोड़ा पेट्रोल डालने की जरूरत है। डैड आई एम श्योर 13th फ्लोर पे ऐसा कुछ नहीं है, ये उस आदमी का वहम होगा। जस्ट रिलैक्स। नहीं बेटा, ये बात इतनी सिंपल नहीं है, इसके पीछे क्या असलियत है हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। ये तो शुक्र करो कि ये खबर अभी तक बाहर नहीं फैली, वरना। डैड इट्स ओके, इस इंसिडेंट को हुए अब एक दिन हो चुका है, अगर कुछ होना होता तो अभी तक हो जाता। मैं कम इन मैम। कम इन। मैम 13th फ्लोर के सारे गेस्ट होटल छोड़ के जा रहे हैं, अब मुझे लगता है शायद भूत वाली न्यूज बाहर तक फैल गई है। क्या? हाँ मैम, अब तक तो कई क्लाइंट अपनी बुकिंग कैंसिल करवा चुके हैं। कमिन। सर, सर वो। यस यस विश, आई जस्ट हर्ड। ओह माय गॉड, अगर इस तरह से क्लाइंट्स होटल छोड़ के जाने लगे और ये न्यूज और फैल गई तो होटल किंगस्टन बंद हो जाएगा। डू वी अंडरस्टैंड दिस? मिस्टर सहाय। आकाश। ये मैं क्या सुन रहा हूं, आजकल किंगस्टन के रूम्स में आपने भूतों को रुकवाना शुरू कर दिया। आकाश, ये मैं नहीं कह रहा हूं, न्यूज़पेपर में छपा है। रूम नंबर 1303 के एक गेस्ट, उस गेस्ट को भूत ने दबोच लिया। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि आप लोग एक ही रूम दो दो गेस्ट को कैसे अलॉट कर सकते हैं। जब आपने भूतों को ये रूम अलॉट कर दिया था तो फिर मिस्टर पारितोष को ये अलॉट करने की क्या जरूरत थी? आकाश, कम से कम न्यूज तो पढ़ लीजिए। मुझे तो इसमें परितोष का ही किया धरा दिख रहा है। मुझे तो शुरू से ही उस पर शक था। मिस शरीफा, आप किस किस पर शक करेंगे? अरे शक तो मुझे अब अपने दिमाग पर हो रहा है कि मुझे ये पहले क्यों नहीं पता चला कि किंगस्टन एक होटल नहीं बल्कि भूतों का बसेरा है। मिस्टर आकाश, आपको किंगस्टन के बारे में इस तरह अफवाह फैलाने का कोई अधिकार नहीं है। मिस्टर केलकर, ये मैं नहीं आपके होटल गेस्ट कह रहे हैं, और थोड़ी देर में सारा शहर बोलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस सब के पीछे आदि का हाथ है? पहली बार सुना कि किसी भूत के पीछे आदमी का हाथ है। वो इसलिए क्योंकि कुछ लोग भूतों से भी बढ़कर होते हैं। चलिए थैंक्स, कम से कम आपने ये तो माना कि भूत भी होते हैं। शायद आप कुछ ज्यादा जल्दी में, आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और हमें किंगस्टन के भूतों को भगाना अच्छी तरह से आता है। मिस्टर केलकर, आप जानते हैं आप क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो भूतों की बात कर रहा हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है आप भूत नहीं हैं। यस यस मिस्टर आकाश। मैम, लॉबी में बहुत जल्दी से इकट्ठे हो गए हैं, एक गेस्ट 13th फ्लोर को लेकर बहुत शोर मचा रहा है, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। जर्नलिस्ट को अंदर भेजो। यस। मुझे लगता है कि सच्चाई जानने का कि किंगस्टन में भूत है या नहीं सिर्फ एक तरीका है, कि मैं किंगस्टन की एमडी और मिस्टर केलकर हमारे जीएम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि किंगस्टन में कोई भूत नहीं है, ये सिर्फ एक अफवाह है। क्यों मिस्टर केलकर? या अब ठीक कह रही है मैम, लेकिन आप ये साबित कैसे करेंगे? आप देखते जाइए। मैडम, सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, आपको अपनी प्लानिंग प्रेस के साथ शेयर करनी होगी।
बताइए आपकी प्लानिंग क्या है, बताइए 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 क्या प्लानिंग है आपकी। मैं और मिस्टर खेलकर आज रात अकेले 13th floor पे रुकेंगे। क्या? बेटा ये तुम क्या कह रही हो? It's okay. हाँ, अगर 13th floor पे भूत है तो कोई भी अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहेगा। मैं उसको खेल कर भी हूँ, लेकिन हाँ अगर हमें कुछ नहीं हुआ तो ये प्रूफ हो जाएगा कि किंगस्टन में कोई भूत नहीं है, ये सिर्फ एक अफवाह है। हाँ, मुझे लगता है कि हम इसके अलावा भी कुछ और सोच सकते हैं। नहीं मिस्टर खेलकर, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है। मिस्टर खेलकर, क्या आप तैयार हैं या डर रहे हैं? खेलकर साहब, आपने बताया नहीं क्या आप किंगस्टन की रेपुटेशन बचाने के लिए तैयार हैं या नहीं? हाँ बताइए बताइए बताइए, आप तैयार हैं कि नहीं बताइए ना, ये बताइए बताइए बताइए। या मैं तैयार। के दिमाग में किंगस्टन के भूत घुस गए तो हमने जंग जीत ली। उठो जाओ, तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन लेकिन क्या? लेकिन बोले तो आदमी की जान की कुछ तो कीमत होनी चाहिए ना। मैं वहां गया और मेरा काम तमाम हो गया तो तैयार हूं। लेकिन मुझे एक साथी चाहिए। मैंने हाँ से पिछले कहा क्योंकि वहां पर प्रेस वाले थे, और अगर मैं ना कह देता तो फिर अगले दिन यही सब खबरें आती कि किंगस्टन में भूतों की खबर सही है और 13th floor में जाने से इनकार कर दिया और होटल का GM भूतों से डरता है। रिडिकुलस। डर तो तुम गए हो। एक्सक्यूज मी, मैं डरा नहीं हूं, मैं थक गया हूं आपसे और आपके इस एटीट्यूड से, इसलिए मैं कुछ देर के लिए यहां से दूर जाना चाहता हूं। That's it. अच्छा कवर है अपना डर छुपाने के लिए। कवर? कवर करने की आदत मेरी नहीं आपकी है, ओके? और इसीलिए तुम मेरे साथ 13th floor पे रहने से डरते हो। मैं आपके साथ कहीं भी रुकने के लिए डर रहा हूं। Come in. Sorry. मैं ये पूछने आया था कि 13th floor पर आपके लिए कौन सा रूम खुलवा दूं। कर्नल, सिक्योरिटी का काम आपका है, मेरा नहीं, राइट? तो इस हिसाब से 13th floor पर मुझे नहीं, आपको जाना चाहिए। नेविस, मैं कैसे? आपको ही जाना चाहिए। मतलब एक्चुअली ये तो मैम का ऑर्डर है और मैं मैम के ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं ना, आप जाएंगे। मुझे जरूरी काम याद आ गया, मैं अभी आ रहा हूं। अपने आप को कर्नल कहते हैं। वो बाय द वे, अगर 13th floor में वाकई भूत हुआ तो मैं हूं ना, इसी बात का तो डर है। हाँ होटल किंगस्टन।